हेलो ऑल, वेलकम टू सिविल स्टैप। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज हम हिमाचल प्रदेश जीके में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक आप हमारा रहेगा दैट इज़ योर इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, और उसके साथ देखेंगे पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले हम लोग जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था उससे रिलेटेड किस तरह के सवाल हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम आज के टॉपिक को शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 2014 में सवाल पूछा गया था, व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस क्रिएटेड इन हिमाचल प्रदेश। हमने लास्ट लेक्चर में इस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस किया था। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इस डिपार्टमेंट को बनाया था ताकि जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की हुई स्कीम्स हैं उनसे लोगों को अवगत करवाया जा सके, ताकि लोग उनके बेनिफिट्स को प्राप्त कर सके। तो बताइए जरा शाबाश, इन चार ऑप्शंस में से कौन सा आंसर आपका सही है? इनका आंसर आपका सही है, दैट इज योर सी, 1954। लास्ट लेक्चर में क्लियरली इस स्पेसिफिक फैक्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेकंड क्वेश्चन अगेन 2014 में पूछा गया था, व्हेन डिड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन हिमाचल प्रदेश विधानसभा इंक्रीजेस फ्रॉम 36 टू 41। चार ऑप्शन है, आंसर बताइए। जैसा आप सब लोगों को याद होगा कि सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा बनी थी वो बनी थी 1952 में, जब टोटल नंबर ऑफ सीट्स रखी गई थी 36, और बाद में हिमाचल प्रदेश में उन्हीं सीट्स को बढ़ा के 41 किया गया था। आई होप आपके दिमाग में आंसर के साथ उसका रीजन भी आ गया होगा कि क्या कारण है या क्या कारण था जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में नंबर ऑफ सीट्स 5 बढ़ाई गई थी। इसका आंसर अगेन आपका है 1954, दैट इज डी। देखो आप सब लोगों को याद होगा 1951 में जब हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेटस दिया गया, उसी टाइम पे जो बिलासपुर आपकी स्टेट हुआ करती थी, जो जैसे हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था 1948 में, वैसे बिलासपुर भी चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था इन 1951 में जब हिमाचल पार्ट सी स्टेट बनता है उस वहाँ पर बिलासपुर भी पार्ट सी स्टेट बनता है। 1954 में जब बिलासपुर को हिमाचल के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, तब हिमाचल की जो स्ट्रेंथ थी विधानसभा की वो 5 सीट्स 5 MLA उसमें इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण टोटल स्ट्रेंथ आपकी 41 हो जाती है। तो आंसर इसका है डी, दैट इज योर 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच तहसील ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट वॉज कार्ब्ड आउट टू फॉर्म किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। जैसा आप सब लोगों को पता है कि आपकी जब हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई तो वहाँ पे 30 प्रिंसली स्टेट्स ने मिलके हिमाचल प्रदेश बनाया, उनमें से 26 शिमला हिल स्टेट्स थी, उन्होंने मिलके एक डिस्ट्रिक्ट बनाई थी जिसका नाम था महासू डिस्ट्रिक्ट। 1960 में उसी डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील को कार्ब्ड आउट करके हिमाचल प्रदेश की 6th डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन की गई, जिस 6th डिस्ट्रिक्ट का नाम था किन्नौर। तो चलो चार ऑप्शन आपके पास हैं, इनमें से इसका आंसर बताइए शाबाश। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा, इसका आंसर आपका है बी, दैट इज योर चिन्नी तहसील। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था, ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन रहेगा, आई होप आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आंसर देख लीजिए। व्हेन हिमाचल प्रदेश वॉज फॉर्म्ड इन 1948 विच वॉज द स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट्स टू ज्वाइन इट। ये पूछा गया है 2011 में कि कौन सी सबसे छोटी स्टेट थी जो आपकी हिली स्टेट्स ने, हिली जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन की थी। तो इसका आंसर आपका है कुठार, दैट इज योर बी ऑप्शन। कुठार की अगर बात की जाए तो आज ये सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में पूछे गए। हमारा जो स्ट्रेटजी रहेगा वो यही रहेगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ योर लेसन हम लोग इंक्रीज करते रहेंगे। क्लियर? ताकि आप लोगों को आइडिया लगता रहे कि कैसे सवाल जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चंस को देख के तो आपको शायद आइडिया लगा होगा हिमाचल प्रदेश में मोर और लेस फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश जहाँ पे जीके एचपी जीके बहुत रेलिवेंट है, हिमाचल प्रदेश जहाँ पे एचपी जीके का जो कंटेंट है, जो साइज है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हमें कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जहाँ तक हमने अपनी प्रिपरेशन को पुश करना है। उसके लिए MCQs, स्पेशली जो पिछले सालों में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। वो हमें एक स्ट्रैटेजी, उनको देख के हम लोग एक स्ट्रैटेजी जो है वो प्लान कर सकते हैं कि हमने किस तरह से जो है हिमाचल प्रदेश जीके को अप्रोच करना है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अब देखो आज के लेक्चर में हम 5-6 इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, जिसमें कुछ आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होंगी, कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज़ रहेंगी,
कुछ आपकी जनरल बॉडीज होंगी, साथ में हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन हिमाचल प्रदेश, उसके साथ लोकल सेल्फ गवर्नेंस जिसमें सिर्फ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा, फिर देखा जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स मेंबर्स के बारे में, एक दो बार यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है, और देन हम देखेंगे जो 2017 में लास्ट टाइम हिमाचल प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए थे उनके बारे में, और लास्ट में कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स जिसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, अगेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और रेलिवेंट है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस। इन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हमारा है, दैट इज योर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर बात की जाए तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए आर्टिकल फ्रॉम 315 टू 323 से एक्सट्रैक्ट करता है। ये वही आर्टिकल्स हैं जहां से यूपीएससी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी पावर्स को डिराइव करते हैं। तो यही कारण है क्योंकि इन आर्टिकल्स से हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी पावर्स डिराइव कर रहा है, इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो जनरली आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन की जिम्मेवारी रहती है, दैट इज योर रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के साथ साथ जो प्रमोशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको भी पब्लिक सर्विस कमीशन ही सॉल्व करता है, या हम ऐसा कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, क्लियर, डिपुटेशन, इन मैटर्स से रिलेटेड जो भी काम है, जो भी इश्यूज हैं, वो कमीशन के साथ मिलकर उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की फॉर्मेशन हुई जब हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड का दर्जा मिला, दैट इज ऑन 25 जनवरी 1971। जब हिमाचल फुल स्टेटहुड का दर्जा मिलता है तब हिमाचल प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूशनली एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, किन किन कामों के लिए, जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किए। यही कारण था हिमाचल प्रदेश में 25 अप्रैल 1971 में सबसे पहले कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट की जाती है। जब यहाँ पे कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट होती है तो ये कमीशन 3 मेंबर बॉडी था। 3 मेंबर बॉडी का मतलब है एक चेयरमैन था और 2 इसके मेंबर्स थे। उस टाइम पे जो चेयरमैन थे उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल के एस कटोच, लेफ्टिनेंट जनरल के एस कटोच। अगर आज की बात करें तो आज ये जो 3 मेंबर बॉडी है ये 5 मेंबर बॉडी बन गई है। 5 मेंबर का मतलब है एक इसका चेयरमैन है, 4 इसके मेंबर्स हैं। आज के जो चेयरमैन हैं इनका नाम है डीवीएस राणा, मेजर जनरल डीवीएस राणा, क्लियर। अभी तक जो वुमेन इसकी चेयरपर्सन बनी है, एक ही वुमेन यहां तक अभी तक जो है वो चेयरपर्सन रही है एचपीपीएससी की, जिनका नाम था बिमला भगत। अब देखो यार, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को और डेप्थ में भी हम जा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है वो इतना ही है, बहुत ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे पिछले लेक्चर के नोट्स आप लोगों के साथ पीडीएफ फाइल में शेयर किए गए थे, वैसे ही आज के लेक्चर के नोट्स भी आप लोगों के साथ जो वो पीडीएफ फाइल में ही शेयर किए जाएंगे। आप सिर्फ लेक्चर को सुनिए, एक अपना फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको पता चले, या ताकि आप एक चीज़ को अपने हाथ से लिख लो, आप लोगों के लिए कंपेरेटिवली चीज़ों को याद करना, मेमोराइज करना आसान रहे। तो ये थी हमारी पहली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ योर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें, दैट इज़ योर HIPA, हीपा के नाम से जिसको जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके मेन फंक्शंस हैं, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके मेन फंक्शंस हैं जो IAS ऑफिसर्स का प्रोफेशनल कोर्स है, जो HPAS ऑफिसर्स का प्रोफेशनल कोर्स है, जो BDO का प्रोफेशनल कोर्स है, जो ये दोनों जो है वो आपके जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा HPPSC के द्वारा रिक्रूटेड आपके ऑफिशियल्स हैं, इनकी ट्रेनिंग जो है वो हीपा के अंदर ही होती है। इसके साथ साथ हिपा की और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्री एग्जामिनेशन कोचिंग सेंटर भी है जिसमें सिविल सर्विसेज, अलाइड सर्विसेज, बैंक PO, PMT वगैरह की तैयारी करवाई जाती है। साथ में जो हिमाचल प्रदेश के डायरेक्ट रिक्रूट्स होते हैं गजेटेड पोस्ट के लिए, उनके फाउंडेशन कोर्स भी इसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन में परफॉर्म करवाए जाते हैं। हिपा की एस्टेब्लिशमेंट होती है ऑन 1 जनवरी 1974। 1 जनवरी 1974 को हमारे यहाँ पे हीपा बनाया जाता है। हीपा का जो लोकेशन है इस स्पेसिफिक टाइम पे शिमला सा थोड़ा आगे जाके है, जिसको हम कहते हैं दैट इज योर फेयर लॉन्स। इसकी लोकेशन है फेयर लॉन्स सर्किट हाउस। ये जो फेयर लॉन्स सर्किट हाउस है ये एक ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था, जिस ब्रिटिश का नाम था R. Dixon।
ब्रिटिश के द्वारा फेयरलॉन सर्किट हाउस बनाया गया था, जो आज आपका हीपा का बिल्डिंग है, जिसका नाम था आर डिक्सन। ब्रिटिश के बाद आर डिक्सन से ये बाद में चला गया था नवाब मुजफ्फर अली के पास, जो कि मलेरकोटला के नवाब हुआ करते थे। लेकिन जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ तो जो मुजफ्फर अली थे वो पाकिस्तान चले गए, और उनकी जो ये बिल्डिंग थी वो पंजाब गवर्नमेंट के पास आ गई। जब 1966 में शिमला हिमाचल प्रदेश में मर्ज होता है तो ये बिल्डिंग भी हिमाचल प्रदेश के पास आ जाती है, और हिमाचल प्रदेश इस फेयरलॉन सर्किट हाउस को 1974 में हिपा में कन्वर्ट कर देता है। दैट इज़ योर हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था हिमाचल का। पहले डायरेक्टर की बात की जाए, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ हिपा की बात की जाए, तो उनका नाम था बी के शर्मा। पहले डायरेक्टर का नाम था बी के शर्मा, और आज के डायरेक्टर इस स्पेसिफिक टाइम पे जो इसके डायरेक्टर हैं, इनका नाम है सी पी वर्मा। सी पी वर्मा, क्लियर। तीसरा आ जाइए, तीसरा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, दैट इज योर स्टेट्यूटरी बॉडी है, हिमाचल प्रदेश स्टेट कंज्यूमर कमीशन। कंज्यूमर रिलेटेड कंप्लेंट्स को सुनने के लिए यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट पास किया गया। अब ढंग से सुनना यहाँ पे, कैसे ये स्टेटूटरी, इसको हम स्टेटूटरी बॉडी कहेंगे, हिमाचल प्रदेश स्टेट कंज्यूमर कमीशन को। हिमाचल प्रदेश, या फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कंज्यूमर रिलेटेड कंप्लेंट्स को, या कंज्यूमर रिलेटेड कंप्लेंट से रिलेटेड एक फाइनल अथॉरिटी बनाई गई, जिस अथॉरिटी के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया। वो एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 1986 में पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है जिसमें कंज्यूमर के राइट्स को, ताकि जो तुम्हारे बिजनेसमैन है, बिजनेस कम्युनिटी है, या जो तुम्हारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, गुड्स प्रोवाइडर हैं, वो किसी तरह से कंज्यूमर्स के साथ कोई गलत जो सर्विस है या गुड्स हैं उनको प्रदान ना करें। तो कंज्यूमर राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। इस एक्ट के अंतर्गत हर स्टेट गवर्नमेंट को ऑथराइज किया जाता है कि वो अपने वहां पे भी स्टेट कंज्यूमर कमीशन की फॉर्मेशन करे। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इसी एक्ट के पावर्स को एक्सट्रैक्ट करते हुए 1 नवंबर 1989 को हिमाचल प्रदेश स्टेट कंज्यूमर कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट की, और इसके पहले प्रेसिडेंट बने वी पी गुप्ता। ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के पास रहेगी, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, अगेन शायद ये इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। सबसे पहला पता, इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट कंज्यूमर कमीशन बना कब, कब बना? आपका 1 नवंबर 1989 को। क्यों बना? क्योंकि पार्लियामेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पास किया था, जिसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट को ऑथोराइज किया गया था अपने वहां पे कंज्यूमर कमीशन बनाने के लिए। जब हिमाचल प्रदेश में कंज्यूमर कमीशन बना, तब सबसे पहले शिमला में एक डिस्ट्रिक्ट फोरम भी बना। डिस्ट्रिक्ट फोरम का मतलब था जहाँ पे कंप्लेंट जो थी वो आपकी सुनी जाती थी लोगों की। तो पहला आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम होता था, उसके बाद अगर तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स थी उनका सॉल्व नहीं किया जाता था तो तुम कमीशन को अप्रोच कर सकते थे। धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश में 4 मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट फोरम बने, जो कि 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स की नीड को केटर करते थे। जैसे मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपका जो ये डिस्ट्रिक्ट फोरम बना, जहाँ पे पहले जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, कंज्यूमर कोर्ट, अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं होते तो यहाँ पे तुम लोग जो है वो अप्रोच कर सकते हो। सबसे पहले बना तुम्हारा शिमला, सबसे पहले शिमला बना, उसके बाद तुम्हारा बना मंडी, उसके बाद तुम्हारा बना कांगड़ा, और उसके बाद तुम्हारा बना ऊना। तो इस स्पेसिफिक टाइम पे हमारे यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट फोरम एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर। हर एक डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है उसके साथ मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट एसोसिएटेड है, मतलब 3-4 डिस्ट्रिक्ट का एक जगह के ऊपर ही डिस्ट्रिक्ट फोरम है। जैसे शिमला की अगर बात की जाए तो शिमला डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है वो शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर, इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स, ये चिया जो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये शिमला डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर आती हैं। मंडी की अगर बात की जाए तो मंडी, कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर आती है। कांगड़ा की बात की जाए, कांगड़ा और चंबा, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर आती है। ऊना की बात की जाए, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर, ये आपका ऊना जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है उसके अंदर आता है, क्लियर। शिमला जो है वो 1989 को बन गया था, मंडी और कांगड़ा 1995 को इनकी एस्टेब्लिशमेंट की गई, और ऊना डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है ये 1997 को बना ऊना वाला। बाकी 1989 में सबसे पहला बना, दैट इज योर शिमला, उसके बाद मंडी और कांगड़ा 1995 में बने, और जो ऊना था वो बना 1997 में, क्लियर। तो ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अगेन ओरिएंटेशन जो है, शायद आपसे नहीं पूछेंगे कि स्टेट कमीशन, कंज्यूमर कमीशन का पावर्स क्या है, फंक्शन क्या है, ये मेंस के लिए रेलेवेंट है, प्री के लिए रेलेवेंट है। इसके एस्टेब्लिशमेंट डेट,
साथ में जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम बने वो कब बने, और एक डिस्ट्रिक्ट किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट फॉरम के अंदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन की बात करें जो आपके अगेन आपकी स्टेटूटरी बॉडी है, जिसका नाम है आपका है एचपी लोकायुक्ता। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों ने नाम शब्द सुना होगा, दैट इज योर लोकपाल। एक आपका लोकपाल वर्ड यूज होता है, एक आपका लोकायुक्ता शब्द यूज होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि यूनियन पार्लियामेंट में ने भी लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट जो है उसको पास किया है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट या लोकपाल और लोकायुक्ता का काम क्या होता है? लोकपाल मेनली आपका सेंटर लेवल के ऊपर अपॉइंटेड एक ऑफिशियल है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं उनके खिलाफ करप्शन से रिलेटेड कंप्लेंट्स को सुनना, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं ग्रुप ए ग्रुप बी, जो भी सर्विसेज हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं। ये है आपका लोकपाल का काम। लोकायुक्ता वही सेम काम जो है वो स्टेट के लिए परफॉर्म करता है, मतलब जो स्टेट के ऑफिशियल्स हैं, जो स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर आपका है, आपके यहाँ के जो एचएएस ऑफिसर्स वगैरह हैं, यहाँ के जो डीएसपीज हैं जो हिमाचल के द्वारा रिक्रूट किए गए हैं, उनके खिलाफ जो करप्शन से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं उनको कौन सुनेगा? तुम्हारा लोकायुक्ता सुनेगा। तो आई होप आपको जो हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता शब्द का मतलब है, वर्ड का मतलब है, इसका थोड़ा आइडिया लग गया होगा। अब देखो, अगर हम हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता की बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता है, जैसे पार्लियामेंट ने तो इसको 2013-14 में पास किया था, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले जो लोकायुक्ता एक्ट था, ये याद रखना सब लोग, वो 1983 में पास हो गया था। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता एक्ट 1983 में पास हो चुका था, और हमारे पहले लोकायुक्ता बने थे जिनका नाम था, हिमाचल प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, TVR टाटाचारी, TVR टाटाचारी। क्लियर। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्ता बने 83 में, TVR टाटाचारी। क्लियर। लेकिन कहानी ये थी कि जब 1983 में हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्ता बना तो उसके पास उतनी ज़्यादा पावर्स नहीं थी, उतनी ज़्यादा क्लियरली डिफाइंड पावर्स नहीं थी, और उसने अच्छे ढंग से काम नहीं किया। आज की अगर बात की जाए तो अभी कुछ टाइम पहले 2014 में हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा एक नया एक्ट पास किया जाता है, और जो लास्ट एक्ट था, दैट इज जो आपका 1983 में पास किया गया था, उसको रिपील कर दिया जाता है। जब 2014 में यहाँ पे एक्ट पास होगा तो इस एक्ट के अंदर जो लोकायुक्ता तुम्हारा है ये ज़्यादा पावरफुल एंटिटी के रूप में उभर के सामने आएगा। हमारे यहाँ पे जो लोकायुक्ता है वो 3 मेंबर बॉडी है। 3 मेंबर बॉडी का मतलब एक चेयरपर्सन रहेगा और दो इसके नॉर्मल मेंबर्स होंगे। जो चेयरपर्सन आपका है वो या तो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए या आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, और ये जो 2 मेंबर आपके रहेंगे, इन 2 मेंबर्स में आपका एक मेंबर जो है उसके पास 10 साल से ज़्यादा का जुडिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो दूसरा मेंबर है उसके पास करप्शन रिलेटेड मैटर्स को सॉल्व करने के लिए मोर देन 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर। और हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता किसी के खिलाफ भी कंप्लेंट को सुन सकता है, एक्सेप्शन जरूर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनके खिलाफ जो है वो स्टेट का लोकायुक्ता जो है वो केस इनिशिएट नहीं कर सकता है, बशर्ते कंडीशन यहाँ पे है कि उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटर्न अप्रूवल ना हो। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटर्न अप्रूवल होगा तो लोकायुक्त इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय जो स्टेट में काम करते हैं उनके खिलाफ जो कंप्लेंट्स हैं उनको भी सुन सकता है। अब कहानी क्या थी कि जब तुम्हारा 2014 में लोकायुक्ता अपॉइंट किया गया, तब जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंत जो थे वो लोकायुक्ता हुआ करते थे, अपॉइंट किया गया था। आज की अगर बात की जाए तो इस स्पेसिफिक टाइम पे हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता की जो पोस्ट है वो बिल्कुल खाली है। सरकार बार बार कह रही है कि वो लोकायुक्ता को अपॉइंट करेगी, लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो लोकायुक्ता है उसको अपॉइंट नहीं किया गया है। तो देखते हैं कब हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता को अपॉइंट किया जाता है। जैसे ही न्यूज़ में आएगा कि हिमाचल प्रदेश में नया लोकायुक्ता बन चुका है तो आप लोग जो है वो अपने नोट्स के अंदर उसका नाम इंटीग्रेट कर लेना। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, दैट इज़ योर हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो 25 फरवरी, अगेन जब हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा तभी यहाँ पे हाई कोर्ट बनेगा, 25 फरवरी 1971 को ये डिसाइड किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में एक हाई कोर्ट बनेगा। हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो इनिशियल स्टेजेस पे 3 मेंबर बॉडी हुआ करती थी, जिसमें एक चीफ जस्टिस था और 2 जज हुआ करते थे। अब ध्यान रखना, आज की अगर हम बात करें तो आज हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है इसकी टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल जज कितने हैं, वो दोनों अलग चीज़ है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है 13, जिनमें एक आपका चीफ जस्टिस होगा और 12 आपके नॉर्मल जज होंगे। क्लियर। लेकिन इस स्पेसिफिक टाइम पे हमारे जो टोटल नंबर ऑफ जजेस हैं वो आपके हैं 1+9,
मतलब आज जो है वो हमें 10 जज देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं हमारे यहाँ पे 13, 13 जो है वो टोटल नंबर ऑफ जजेस हो सकते हैं। पहली हिमाचल प्रदेश में जो चीफ जस्टिस बनी थी हिमाचल प्रदेश की, जो कि पूरे हिमाचल में भी, पूरे दुनिया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी पहली वुमेन थी किसी भी हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनने वाली, उनका नाम था लीला सेठ। क्या नाम था उनका? लीला सेठ। क्लियर डन। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, स्पेशली फॉर्मेशन क्या है और हाई कोर्ट की पावर क्या है, ये तो मेरे को ज़्यादा आप लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो हाई कोर्ट की बिल्डिंग है उसका नाम है रिवंसवुड, जहाँ पे इस टाइम पे आपका हाई कोर्ट है। सबसे हाईएस्ट टेन्योर, सबसे लंबा टेन्योर किसी चीफ जस्टिस का यहाँ पे था, जिनका नाम था जस्टिस आर एस पाठक, जो कि 6 साल तक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे। शॉर्टेस्ट टेन्योर है जस्टिस शशिकांत सेठ, जस्टिस शशिकांत सेठ, जो सिर्फ 7 दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे थे। ये छोटी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, अगेन रेलिवेंट है भी और नहीं भी है, लेकिन फिर भी अगेन जितना हम गहराई में तैयारी कर सकते हैं उतना हम लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज़ योर डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखिए कहानी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन इन स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पता होनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में पॉलिटिकल पार्टीज़ कब आई, क्यों मैंने इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में यहाँ पर लिखा है। आज हम लोग देखते हैं तो हमें दो ही पार्टीज देखने को मिलती हैं, या तो कांग्रेस पार्टी देखने को मिलती है या तो भारतीय जनता पार्टी देखने को मिलती है, लेकिन इतनी ज़्यादा पार्टीज लिखने का लॉजिक क्या है? ये वो पार्टीज हैं जो हिमाचल प्रदेश में कभी एक्टिव रही हैं, या जिन्होंने कभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, या इवन इलेक्शन में उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया है। इवन इनमें से कुछ पार्टीज ऐसी हैं जिन्होंने सरकारें बनाने में हेल्प की है। तो यही कारण है इन पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, अगेन बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी हिमाचल प्रदेश की है कांग्रेस। कांग्रेस की फॉर्मेशन के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता होगा कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट होती है 1885 को। 1885 को सर एओ ह्यूम जो है वो कांग्रेस को बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अगर बात की जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश कंटेक्स्ट है, तो हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी बनती है वो बनती है 1948 को। जितने भी आपके प्रजामंडल थे, प्रजामंडल बेसिकली क्या थे, प्रजामंडल वो आपकी एसोसिएशन थी जो प्रिंसली स्टेट्स में प्रिंस के खिलाफ, जो राजा थे उनके खिलाफ आंदोलन करते थे कि हमें एक तरह से डेमोक्रेटिक राइट्स दिए जाएं। जैसे जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था, जहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल एस्टेब्लिश था, वहाँ पे तुम्हारी फ्रीडम स्ट्रगल की मूवमेंट चल रही थी, जो तुम्हारी हिली प्रिंसली स्टेट्स थी वहाँ पे तुम्हारे प्रजामंडल की मूवमेंट चल रही थी। प्रजामंडल्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि किस तरह से जो राजा हैं उनसे डेमोक्रेटिक राइट्स को लिया जाए। बाद में उन्हीं प्रजामंडल्स ने जो है वो बाद में फुल आज़ादी, फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड करनी शुरू कर दी। तो जो हिमाचल प्रदेश के प्रजामंडल्स थे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक प्रिंसली स्टेट के, या हिमाचल प्रदेश के अंदर मल्टीपल प्रिंसली स्टेट्स थी, उन प्रजामंडल्स ने 1948 में अपने आप को मर्ज कर दिया कांग्रेस पार्टी के अंदर। अब देखो क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पे 26 शिमला हिली स्टेट्स थी, यही कारण है आज भी हम लोगों को कांग्रेस पार्टी जो वो अपर एरिया में, ये जो शिमला हिली स्टेट्स थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरह से पावरफुल एंटिटी के रूप में देखने को मिलती है, क्योंकि इसकी ओरिजिनेशन ही वहाँ से हुई है। जो लोअर एरिया वाले लोग हैं वहाँ पर प्रजामंडल मूवमेंट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि वो एरियाज डायरेक्टली ब्रिटिश के अंदर आया करते थे, तो वहाँ पर तुम्हें कांग्रेस पार्टी की पकड़ उतनी स्ट्रांग नहीं देखने को मिलेगी। तो इसके पीछे कारण था आपका प्रजामंडल अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे कांग्रेस पार्टी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अंदर। क्लियर। अब देखिए जब हिमाचल प्रदेश में 1952 में सबसे पहले इलेक्शन हुए तो कांग्रेस को मिली टोटल 24 सीट्स। याद है आपको टोटल 36 सीट्स हुआ करती थी। 36 सीट्स में से पहली विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को 24 सीट्स मिलती हैं, और आप सब लोगों को पता है हमारे पहले चीफ मिनिस्टर बनेंगे उस स्पेसिफिक टाइम पे, दैट इज योर YS परमार। क्लियर। उसके बाद जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कांग्रेस जो है वो मल्टीपल टाइम पे कांग्रेस के ही जो है वो CM इलेक्ट होंगे, टिल 1977 में पहली बार जनसंघ से कोई CM बनेगा, उसकी कहानी थोड़ी देर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कहानी जो है वो क्लियर होगी कि कांग्रेस पार्टी कब फॉर्म हुई। अब कांग्रेस पार्टी का इस विधानसभा में क्या परफॉर्मेंस रहा है उसको हम लास्ट टॉपिक में देखेंगे, जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली 2017 से रिलेटेड है। क्लियर। तो कांग्रेस पार्टी इन बेसिक इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट इलेक्शन 1954, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी जीती इन्होंने, 24 जीती। दूसरी इंपॉर्टेंट पार्टी तुम्हारी है भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ की अगर बात की जाए, भारतीय जनसंघ जो है उसकी फॉर्मेशन होती है 1951 में। भारतीय जनसंघ 1951 से लेकर 1977 तक एक्टिव रहती है। 1977 में भारतीय जनसंघ अपने आप को जनता पार्टी में मर्ज कर लेती है। क्लियर।
हिमाचल में अगर जनसंघ की बात की जाए तो जनसंघ 1967 में जब लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, अब देखो 1966 में जो ब्रिटिश एरियाज थे या जो पहले ब्रिटिश एरिया हुआ करते थे, बाद में पंजाब के पास थे, अब वो हिमाचल प्रदेश के पास आ गए। यहाँ पे जनसंघ की पकड़ काफ़ी अच्छी थी क्योंकि प्रजामंडल उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे इन स्पेसिफिक एरियाज में इवन बिफोर इंडिपेंडेंस। 1967 में जब इलेक्शन होते हैं तो जनसंघ जो है वो टोटल 7 सीट जीत रहा है, 7 सीटें जीतता है। 1972 के इलेक्शन में जनसंघ जो है वो 5 सीटें जीतेगा। 1972 में जनसंघ जो है वो 5 सीटें जीतेगा। तो तुम खुद सोचो कि हिमाचल प्रदेश में 1966 से पहले जनसंघ का कोई अस्तित्व नहीं था, कोई सीट्स नहीं जीत रहा था, लेकिन जैसे ही पंजाब हिली एरिया, जो कांगड़ा हमीरपुर ऊना वाले एरिया जो है वो हिमाचल के अंदर इंटीग्रेट होते हैं, तो वहाँ पर क्योंकि जनसंघ की पकड़ थी, ये वो लोग हैं जो कि आरएसएस से अपनी जो आइडियोलॉजी है या आरएसएस से अपनी फाउंडेशन जो है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? तो जनसंघ 1967 में 7 सीट जीत रहा है, 1972 में 5 सीट जीत रहा है, लेकिन जनसंघ हिमाचल में, इसका मतलब सिंपल सा है, यहाँ पे दो चीज़ें आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कि अदर देन कांग्रेस एंड बीजेपी, जनसंघ ने भी हिमाचल में दो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कुछ नंबर ऑफ सीट्स जीती हैं। उसके बाद तीसरी पार्टी के बारे में आ जाते हैं, थर्ड पार्टी आपकी है, दैट इज यू जनता पार्टी। अगर हम जनता पार्टी की बात करेंगे तो जो जनता पार्टी है उसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है 1977 में। 1977 की कहानी वो है जहाँ पे एंटी कांग्रेस पार्टीज मिलके एक पार्टी बनाती है जिस पार्टी का नाम था जनता पार्टी। ये वही पार्टी है जो हमारे देश को पहला नॉन कांग्रेसियन प्राइम मिनिस्टर देती है इन द फॉर्म ऑफ मोरारजी देसाई। जनता पार्टी जब फॉर्म हुई 1977 में, उस स्पेसिफिक टाइम पे आपके यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में जो जनता पार्टी है उसको मेजोरिटी मिलती है और यहाँ से पहला नॉन कांग्रेसियन चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश बनता है और उस चीफ मिनिस्टर का नाम था शांता कुमार। बट अनफॉर्चुनेटली शांता कुमार जो है वो कुछ टाइम के बाद जनता पार्टी के बीच में फूट पड़ जाती है। शांता कुमार को मेजोरिटी, या जो शांता कुमार की पार्टी के पास, जनता पार्टी के पास जो मेजोरिटी थी वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और लोग कांग्रेस के अंदर मिल जाते हैं और वहाँ पे ठाकुर रामलाल जो है वो 1980 में हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। तो 2-3 सालों तक यहाँ पे शांता कुमार जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे थे, जो कि जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे। तीसरी पार्टी, नेक्स्ट पार्टी आ जाएगी, दैट इज योर भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात की जाए तो ये बेसिकली जो जनसंघ के लोग जनता पार्टी में गए थे, जब जनता पार्टी में फूट डली, जनसंघ के लोग वहां से अलग हुए, उन्हीं लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी बनाई 1980 में। और हिमाचल प्रदेश में जब 1982 में इलेक्शन होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पहली बार ही 29 सीट्स जीतती है। लेकिन जब 2 साल के बाद 1984 में फिर से हिमाचल प्रदेश के अंदर इलेक्शन होते हैं, उस टाइम पे इंदिरा गांधी की डेथ हो चुकी है, कांग्रेस को सिंपथी वोट मिलता है, हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी जिसने 29 सीट्स जीती थी 82 के इलेक्शन में, वो 84 के इलेक्शन में सिर्फ 7 सीट्स जीत पा रही है, सिर्फ 7 सीट्स, ओनली 7 सीट्स। क्लियर? तो अगेन, ये भारतीय जनता पार्टी 1980 पहली बार 1982 के इलेक्शन लड़े, 29 सीट जीती, 1984 के इलेक्शन में उसका जो टोटल स्ट्रेंथ था वो रिड्यूस हो गया, कितना, 7। उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्टी है, दैट इज योर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की अगर हम बात की जाए तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1925 को, और सबसे पहले 1967 के इलेक्शन में कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसने हिमाचल में 2 सीटें जीती थी। 2017 की भी अगर बात की जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 1 सीट मिली है, तो अगेन इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी तुम्हारी HVC, दैट इज योर हिमाचल विकास कांग्रेस। इसके ऊपर सवाल पूछा जा चुका है। हिमाचल विकास कांग्रेस की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1997 में होती है पंडित सुखराम के द्वारा। पंडित सुखराम जो कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर 1997 में हिमाचल विकास कांग्रेस की स्थापना की। जब 1998 के इलेक्शन हुए, मतलब हिमाचल विकास कांग्रेस के बनने के 1 साल बाद, तब हिमाचल विकास कांग्रेस को टोटल 5 सीट्स मिली, 5 सीटें मिली, और ये वो पार्टी थी जिसने, क्योंकि इन इलेक्शन में ना बीजेपी को मेजोरिटी मिली थी ना कांग्रेस को मेजोरिटी मिली थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल विकास कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इनके 5 लोग थे और बीजेपी के 30-31 लोग थे, इन्होंने मिलकर जो है वो पार्टी सरकार बनाई और 5 सालों तक जो है वो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और हिमाचल विकास कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट ने रूल किया। तो इस पार्टी ने बनते ही हिमाचल प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, हिमाचल विकास कांग्रेस। क्लियर? इवन कि जब 1999 के इलेक्शन हुए थे तब 1 लोकसभा की सीट भी हिमाचल विकास कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन 2004 में हिमाचल विकास कांग्रेस जहां से निकली थी, दैट इज फ्रॉम कांग्रेस पार्टी, उसी के अंदर इस स्पेसिफिक पार्टी को मर्ज करवा दिया जाता है। क्लियर?
नेक्स्ट आ गई आपकी एक और छोटी छोटी पार्टीज हैं, लोकराज पार्टी। अब देखो यार आपके दिमाग में आ रहा है, याद क्या, याद सिंपल सा करिए कि किस पार्टी या हिमाचल में कौन कौन सी पार्टी एग्जिस्ट करती है, और कोई स्पेसिफिक हिमाचल रिलेटेड पार्टी है उसकी फॉर्मेशन कब हुई, क्योंकि इस तरह के फैक्चुअल सवाल जो है वो हम लोगों से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ गई लोकराज पार्टी। लोकराज पार्टी जो है वो 1971 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी ठाकुर सेन नेगी के द्वारा, और जब 1972 में इलेक्शन हुए थे तो इसने 2 सीट जीती थी, 2 सीट्स इसने जीती थी। अगेन आज इस स्पेसिफिक टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टी ये नहीं है। उसके बाद लास्ट पार्टी आपकी आ जाएगी, दैट इज़ योर हिमाचल लोक हित पार्टी। हिमाचल लोक हित पार्टी जो है इसको 2012 में बनाया गया था, आप सब लोगों ने इनका नाम सुना होगा, महेश्वर सिंह जो कि कुल्लू से हैं, लेकिन 2016 में इस स्पेसिफिक पार्टी को डिसॉल्व कर दिया गया। 2012 का जब इलेक्शन हुआ, जब इस स्पेसिफिक पार्टी को बनाया गया था, तो इस पार्टी ने 1 सीट जीती थी, और वो जो 1 सीट जीती थी इसने, वो 1 सीट भी आपके महेश्वर सिंह की ही थी। क्लियर? तो आज ये पार्टी जो है वो उसका ज़्यादा अस्तित्व नहीं है। थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हिमाचल प्रदेश में एग्जिस्ट करती है, और उन स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज़ की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के सामने है। इसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नेंस में हम लोग देखेंगे, वैसे लोकल सेल्फ गवर्नेंस में आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्यूनिसिपैलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन है, हम देखेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में। अब देखो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए एक्ट पास हुआ था, वो हुआ था पंजाब विलेज पंचायत एक्ट ऑफ 1939। जैसा हम लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे पंजाब हिल स्टेट्स हुआ करते थे, इवन 1948 में जब हिमाचल प्रदेश बना तो 4 जो थे उसमें पंजाब हिल स्टेट्स थे। तो जहाँ जहाँ पंजाब हिल स्टेट्स थे, चाहे बाद में तुम्हारे 4 डिस्ट्रिक्ट्स और ऐड हुई थी 1966 में, तो जहाँ जहाँ या जो जो एरिया, जो जो हिली एरियाज पंजाब के डायरेक्ट अंडर आते थे ड्यूरिंग 1939 1940, उन सब के ऊपर पंजाब विलेज पंचायत एक्ट 1939 जो था वो पास किया गया था, जिसके अंतर्गत वहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का निर्माण था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एक्ट है वो है हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1952। ध्यान रखना, आज़ादी के बाद सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के लिए जो कानून पास हुआ था वो था 1952 में पास हुआ कानून। 1952 में जब एक्ट पास होता है तो 1954 में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, और यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम को डेवलप किया जाता है। पहली टर्म जो है, क्योंकि ट्रायल बेसिस के ऊपर था, 1957 में इनकी या पहले जो आपकी पंचायत थी उसकी टर्म एक्सपायर हो जाती है, उसके बाद 1957-58 में फिर से इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, और जब इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं तो पूरे हिमाचल में, या जो उस टाइम का हिमाचल था उसमें 497 पंचायत जो थी वो एस्टेब्लिश की जाती थी, की गई थी। क्लियर? तो इनिशियल स्टेजेस में हिमाचल प्रदेश में आपकी सेकंड स्टेज के बाद, अगेन जब 3 साल के लिए फिर से इलेक्शन हुआ, फिर से तुम्हारी पंचायत बनी, तो अप्रॉक्सीमेटली 497 पंचायत जो थी वो हमारे यहाँ पे 1959 तक एस्टेब्लिश की जा चुकी थी। इनमें से 160 तुम्हारी महासू में थी, 116 मंडी में थी, 73 सिरमौर में थी, 40 बिलासपुर में थी, और 108 तुम्हारी चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर थी। ये वही एरियाज हैं, ये वही डिस्ट्रिक्ट हैं जो 1959 तक हिमाचल का पार्ट बने रहेंगे। बाकी डिस्ट्रिक्ट जो भी हिमाचल प्रदेश के में बाद में ऐड होंगे, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इतना याद रख लेना कि यहाँ पे याद क्या रखोगे, पहला पंचायती राज सिस्टम बना कब, कौन सा एक्ट के बाद बना, पहले इलेक्शन कब हुए, कब उनका टेन्योर खत्म हुआ, दूसरे इलेक्शन कब हुए, और कितनी पंचायत जो थी वो आपकी 59 तक आपकी फॉर्म हो चुकी थी। क्लियर? उसके बाद हिमाचल प्रदेश, क्योंकि जब 1966 में हिमाचल प्रदेश के अंदर और एरियाज ऐड होते हैं, तो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के लिए एक नया एक्ट पास करता है जो आपका था हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1968। ये एक्ट जो है वो तब तक रहेगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट नहीं हो जाएगी, और उस अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हिमाचल प्रदेश 1994 में एक नया एक्ट पास नहीं कर देगा। देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, सवाल कैसे बन सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, पहला कि हिमाचल प्रदेश में आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहले पास, या सबसे पहले जो एक्ट था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर वो कब पास किया गया। दूसरा पूछा जा सकता है कि जब हिमाचल प्रदेश में जो पंजाब हिली एरियाज थे 1966 में जब उनको इंटीग्रेट किया गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कब एक्ट जो है उसको पास किया गया। क्लियर? तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश में 1968 में एक्ट पास हो रहा है। उसके बाद जो लास्ट है, जो आज आपका एक्ट चलता है, जो आपको वैसे ही पता होना चाहिए,
इस स्पेसिफिक टाइम पे जो पंचायती इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं उनके लिए जो हिमाचल प्रदेश में एक्ट है वो है 1994 का, जो हिमाचल प्रदेश में 23 अप्रैल 1994 को जिसको अप्लाई किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। और सबसे पहले जो आपका इलेक्शन थे इस एक्ट के अंदर, 1994 के एक्ट के अंदर, वो कंडक्ट किए गए 1995 में। ये इन्फॉर्मेशन अब हर एक स्टूडेंट याद रखेगा। इस टाइम पे हिमाचल में 12 जिला परिषद हैं, क्योंकि 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 75 ब्लॉक समितिज हैं, 3,243 विलेज पंचायत हैं, 17,882 विलेजेस हैं, इनहेबिटेड विलेज जहाँ पे लोग रहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखनी है। 12 जिला परिषद, 75 ब्लॉक समितिज, 3,243 विलेज पंचायत एंड 17,882 इनहेबिटेड विलेजेस। इसके साथ 2006 में जब आप लोग इलेक्शन डालने जाते हो पंचायत का, तो आपको पता है ना पंचायत में जिला परिषद का इलेक्शन होता है, ब्लॉक समिति के लिए वोट डालते हो, ठीक है, उसके साथ साथ जो है वो जो प्रधान है उसके लिए वोट डालते हो, साथ में जो वार्ड मेंबर्स हैं या पंच हैं उनके लिए वोट डालते हो, क्लियर। तो 2006 में जो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन था उसने डिफरेंट डिफरेंट कलर फिक्स किए। जैसे जो वार्ड मेंबर हैं उनके लिए सफ़ेद कलर का वैलेट पेपर होगा, जो प्रधान है उनके लिए पिंक कलर का होगा, जो बीडीसी मेंबर्स हैं उनके लिए ग्रीन कलर का पेपर होगा, जिला परिषद वाले हैं उनके लिए येलो का होगा। आज भी जो हमारे जो पंचायतों के इलेक्शन है वो आज भी बैलेट पेपर से ही होते हैं, तो उसमें तुम देखना अलग अलग रंग, ताकि आइडेंटिफाई कर सको कि बीडीसी के लिए कौन सा वोट कास्ट करना है, कौन सा कलर का है, जिला परिषद के लिए कौन सा है। क्योंकि पहले देखते थे कि जिला परिषद वाला जो बॉक्स था उसमें कोई बीडीसी का वोट डाल देता था, तो यही कारण था कि 2006 में उन्होंने हर एक के लिए अलग अलग कलर जो है वो स्पेसिफाई किया। साथ में जो पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उसको 1978 में एस्टेब्लिश किया गया मशोबरा के अंदर। इससे पहले ये सलोगरा में होता था, जो कि तुम्हारा सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जहाँ पे जो पंचायतों के हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका ट्रेनिंग दिया जाता है वो तुम्हारा है मशोबरा के अंदर, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1978 में। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, याद रखो, जो मैंने हाईलाइट किया है इसका मतलब है प्री के लिए वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो ये हमारा था लोकल सेल्फ गवर्नेंस में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थे या इंस्टीट्यूशन हैं उनके बारे में कुछ आपकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके साथ अगर म्यूनिसिपैलिटी की बात की जाए तो एक छोटा सा शेयर कर लेता हूँ शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में। शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है आपकी 1851 में। 1851 में जहाँ पे मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते थे ब्रिटिश के द्वारा, शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो थी या शिमला म्यूनिसिपैलिटी जो थी, ये सबसे पहले जितना जो पंजाब वाला पूरा एरिया था वहाँ की सबसे पहली म्यूनिसिपैलिटी थी। जब हम लोग आज़ाद हो गए उसके बाद शिमला जो है वो कॉरपोरेशन के रूप में एक तरह से उसने अपना स्टेटस मेंटेन रखा, और आज भी शिमला के अंदर जो है वो आपके इलेक्शंस के थ्रू जो है वो आपके कॉरपोरेटर्स और मेयर जो हैं उनको चूज किया जाता है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट अगला है, दैट इज योर लोकसभा एंड राज्यसभा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह से लोकसभा और राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनका हम लोगों को, या कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव जो है हिमाचल प्रदेश से इलेक्ट हो गया है। अगर लोकसभा के इलेक्शंस की बात की जाए तो 1952 में सबसे पहले जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो हिमाचल प्रदेश वाले एरिया से जो लोकसभा के मेंबर गए, मंडी से गई आपकी अमृत कौर, शिमला से गए आपके टेकचंद, कांगड़ा से गए आपके हेमराज और बिलासपुर से गए आपके अनंत चंद। नो डाउट उस टाइम पे बिलासपुर हिमाचल का पार्ट नहीं था, बिलासपुर बाद में ऐड हुआ है 1954 में, लेकिन फिर भी आज का जो मॉडर्न हिमाचल है उसमें चार लोगों की रिप्रेजेंटेशन मान सकते हैं, अमृत कौर, टेकचंद एंड हेमराज, क्लियर। इवन हेमराज जो कांगड़ा वाला एरिया वो भी पंजाब में हुआ करता था। अनंत चंद के बारे में एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, अनंत चंद जो कि राजा थे बिलासपुर के, ये इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़के गए थे लोकसभा के अंदर। अनंत चंद एक ऐसे नेता हैं जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब कि किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे ना इलेक्शन लड़ने के बावजूद लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पहुंचे थे। तो पहले मेंबर्स थे अमृत कौर, टेकचंद, हेमराज और अनंत चंद, याद रखना इन सारे के सारे नाम को कौन कहाँ से था। दूसरा, लॉन्गेस्ट सर्विंग एमपी इन लोकसभा शिमला से हैं तुम्हारे कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी, जो 6 बार लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात की जाए तो वहाँ पे 4 लोकसभा की सीट हैं, आज की बात है, मंडी है, कांगड़ा है, हमीरपुर है और शिमला है। हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 एमएलएज हैं, मतलब 68 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है। हर एक जो लोकसभा की सीट है उसको 17 17 17 जो है वो तुम्हें लेजिस्लेटिव असेंबलीज देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल मंडी के अंदर भी 17 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें आएंगी लोकसभा में, कांगड़ा की जो पूरी लोकसभा की सीट है उसमें भी 17 एमएलएज आएंगे, हमीरपुर में भी 17 आएंगे और शिमला में भी 17 आएंगे, क्लियर, डन।
आज की बात की जाए तो इस स्पेसिफिक टाइम पे मंडी से हैं राम स्वरूप शर्मा, कांगड़ा से हैं किशन कपूर, हमीरपुर से हैं अनुराग ठाकुर और शिमला से हैं तुम्हारे सुरेश कुमार कश्यप। ये चार MPs जो हैं वो स्पेसिफिक टाइम पे हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चारों के चारों भारतीय जनता पार्टी के हैं। उसके साथ राज्यसभा इलेक्शंस की बात की जाए, ये पहला क्वेश्चन जो है वो HPPSC प्रीलिम्स के अंदर, HAS के अंदर पूछा जा चुका है। राज्यसभा की बात की जाए तो पहले मेंबर हैं श्री चिरंजी लाल वर्मा, जो सबसे पहले फर्स्ट मेंबर, यहाँ पे फर्स्ट एवर मेंबर हु वाज नॉमिनेटेड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट किए जाने वाले इंसान का नाम है चिरंजी लाल वर्मा, जो 1952 से लेकर 1958 में या इन 6 सालों तक राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव रहे थे, राज्यसभा के मेंबर रहे थे हिमाचल प्रदेश से। पहले इंडिपेंडेंट हैं अनंत चंद, इनके बारे में मैंने आपको बताया, ये लोकसभा में भी जीत के गए थे और बाद में राज्यसभा में भी रहे हैं। पहली जो वुमेन है राज्यसभा में उनका नाम है लीला देवी, जो 1956 से लेकर 62 के बीच में राज्यसभा में रही। लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा राज्यसभा में रोशन लाल का 1970, 1976, 1982। चंद्रेश कुमारी कांग्रेस पार्टी की हैं, इनकी खासियत है इन्होंने हिमाचल प्रदेश को, पहली तो बात है वुमेन है और ये वो वुमेन है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को लोकसभा में भी रिप्रेजेंट किया है और उसके साथ साथ राज्यसभा में भी रिप्रेजेंट किया है। आज की अगर मैं मेंबर्स की बात करूंगा, आज इंदु गोस्वामी, जगत प्रकाश नड्डा और आनंद शर्मा, हिमाचल प्रदेश में 3 राज्यसभा की सीट्स हैं, एक इंदु गोस्वामी, एक जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, आनंद शर्मा जो कि कांग्रेस के हैं, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहाँ पे, राज्यसभा में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। क्लियर, डन। अगेन देखो, बहुत फैक्चुअल चीज़ें भी हमें करनी पड़ेंगी, लेकिन अगेन एग्जाम की जैसी नीड है हमें उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी प्रिपरेशन को डिज़ाइन करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ योर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस 2017। अगेन बहुत ज़्यादा शायद इस स्पेसिफिक टाइम पे इनकी रेलेवेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार छोटे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एटलीस्ट जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बेसिक इन्फॉर्मेशन, टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हिमाचल प्रदेश में कितनी है, 68। टोटल पोलिंग स्टेशंस हैं 7221। इन 68 सीट्स में से 17 सीट्स जो हैं वो रिजर्व की गई हैं शेड्यूल कास्ट के लिए और 3 सीट्स जो हैं वो रिजर्व की गई हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। और वो जो 3 सीट्स जो कि शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व की गई हैं, एक है लाहौल स्पीति की, एक है किन्नौर की और एक है भरमौर की। ये याद रखना, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। हाईएस्ट पोलिंग बूथ की अगर बात की जाए, पहले आपका जो हाईएस्ट पोलिंग बूथ होता था वो लाहौल स्पीति के अंदर हिक्किम हुआ करता था, लेकिन अभी रिसेंटली जो हाईएस्ट पोलिंग बूथ है वो आपका बन गया है ताशीगांग। ताशीगांग कहाँ पे है आपका, लाहौल एंड स्पीति। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, मेमोराइज कर लो। नेक्स्ट है आपका स्मॉलेस्ट पोलिंग बूथ, सबसे छोटा पोलिंग बूथ इन टर्म ऑफ वोटर्स। तो सबसे छोटा पोलिंग बूथ आपका किन्नौर के अंदर है का, जहां पे सिर्फ 16 वोट्स ही कास्ट किए गए। उसके बाद आप गया बिगेस्ट पोलिंग स्टेशन, जहां पे सबसे ज्यादा वोट कास्ट हुए, वो आपका है सुलह, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। 2017 की अगर बात की जाए, टोटल वोटर टर्नआउट था 75.28%। उसके बाद इंडिया के पहले वोटर की बात की जाए, इंडिया का पहला वोटर है श्याम शरण नेगी, जो कि 29th टाइम जो है जिन्होंने कल्पा पोलिंग स्टेशन जो कि किन्नौर में है वहां पे अपना वोट कास्ट किया था 2017 में, जब हिमाचल प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए थे। अब देखो यहाँ पे श्याम शरण नेगी की कहानी क्या है कि वैसे तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले या पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले लोकसभा के इलेक्शन हुए थे 1952 में, पर लाहौल एंड स्पीति किन्नौर वाला जो एरिया था वो एक ऐसा एरिया था जो बैकवर्ड एरिया था, तो वहाँ पे 5-6 महीने पहले ही 1951 में इलेक्शन करवा दिए गए। श्याम शरण नेगी जो कि स्कूल टीचर थे, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी पोलिंग बूथ के ऊपर, तो सबसे पहले जब उन्होंने पहले इलेक्शन ड्यूटी जाने से पहले जब वोट कास्ट किया तो वो अनइंटेंशनली एक तरह से हमारे देश के पहले वोटर बन गए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से 6 महीने 5-6 महीने पहले हिमाचल में सबसे पहले वोटिंग हुई और उसमें सबसे पहले वोट कास्ट करने वाले इंसान का जो नाम है वो है श्याम शरण नेगी। अब इनकी शायद 102 या 103 साल के आसपास पहुंच चुकी है। इस इलेक्शन की बात करें 2017 की, तो बीजेपी को 44 सीट्स मिली, कांग्रेस को 21 सीट्स मिली, BSP खाता नहीं खोल पाई, CPIM को 1 सीट मिली और 2 जो थे वो इंडिपेंडेंट तुम्हारा इलेक्शन लड़के आए। नोटा यूज़ किया गया, नोटा जहां पे किसी भी कैंडिडेट को इंसान लोगों ने वोट नहीं किया वो था आपका टोटल वोट्स का 0.9%। क्लियर, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अगर हम बात करें हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली में, किस डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, तो वो किसकी हैं, कांगड़ा की। कांगड़ा की 15 सीट्स हैं। लोएस्ट सीट्स जो हैं वो तुम्हारी हैं किन्नौर की और लाहौल स्पीति की, जिन दोनों की एक एक ही लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट है। बिगेस्ट सीट की बात की जाए, बिगेस्ट सीट का मतलब है कि साइज सबसे बड़ा, मतलब एरिया सबसे बड़ा किस सीट का है, वो है तुम्हारी लाहौल एंड स्पीति। स्मॉलेस्ट सीट की बात की जाए इन टर्म ऑफ एरिया, वो है तुम्हारी शिमला, जो अर्बन है, जिसको शिमला शहरी के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर,
ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2017 17 से रिलेटेड मैंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी जो फाइल है हैंडआउट से उनके अंदर डाली हुई है। मेन जो हमारे ये पहले 5-7 पॉइंट है इनके बारे में आइडिया होना चाहिए क्योंकि स्टैटिक पॉइंट्स है, इनके बारे में नॉर्मल हिमाचल प्रदेश जीके है इनके बारे में जनरली भी हमें बेसिक आइडिया बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। क्लियर। लास्ट है हमारा दैट इज योर मिसलिनियस। मिसलिनियस में आपके 3-4 चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ये अगेन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। जैसे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो कौन कौन से चीफ मिनिस्टर रहे हैं इनके बारे में जो है वो आप लोगों को बेसिक आइडिया होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के। जैसे सब लोगों को पता है कि सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर बने थे उनका नाम क्या था, YS परमार। उसके बाद रामलाल ठाकुर रहे, फिर शांता कुमार रहे, फिर रामलाल रहे, फिर बीरभद्र सिंह, फिर शांता कुमार, फिर 2 बार बीरभद्र सिंह, फिर प्रेम कुमार धूमल, फिर बीरभद्र, फिर प्रेम कुमार धूमल, फिर बीरभद्र, फिर तुम्हारे जयराम। इनकी इन्फॉर्मेशन मैंने टेबल के रूप में आप लोगों को दी है। ये जो 4 हमारे मिसलिनियस टॉपिक्स हैं इनको थोड़ा सा आप लोग एक बार स्कैन कर लोगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग YS परमार। तो YS परमार जो थे, जो हमारे देश के पहले चीफ मिनिस्टर थे, वो 4 बार हिमाचल प्रदेश के CM रहे। सबसे पहले रहे 52 से लेके 56 तक, फिर उसके बाद रहे 63 से लेके 67 तक, फिर उसके बाद रहे 67 से लेके 72 तक, और बाद में रहे 72 से लेके 77। फिर इसके बाद इन्होंने जो पॉलिटिक्स थी उससे रिज़ाइन कर दिया और एक आम इंसान की तरह अपना जीवन यापन किया। तो पहले चीफ मिनिस्टर YS परमार। उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर बने थे उनका नाम था रामलाल ठाकुर। रामलाल ठाकुर की खासियत क्या है कि इनको आंध्रा प्रदेश का गवर्नर बनाया गया था। ये याद रखना, रामलाल ठाकुर हिमाचल प्रदेश के CM थे जो बाद में आंध्रा प्रदेश के क्या बने, गवर्नर बने। इसके बाद जो आपके बने उनका नाम था शांता कुमार। शांता कुमार जो थे वो पहले नॉन कांग्रेसियन चीफ मिनिस्टर थे, इसके बारे में हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डिस्कस की। शांता कुमार जब चीफ मिनिस्टर थे तब हिमाचल प्रदेश में पहली बार 356 आर्टिकल को इम्पोज किया गया, मतलब पहली बार हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा, और आज तक 2 बार ही प्रेसिडेंट रूल लगा है और दोनों टाइम शांता कुमार ही हमारे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। बाकी क्या सीक्वेंस है याद कर लेना, शायद बहुत ज़्यादा रिलेवेंट HPEAS के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को जो है वो वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ गया तुम्हारा गवर्नर। गवर्नर से रिलेटेड स्पेसिफिक टाइम पे जैसे तुम्हारे जो है वो 27th गवर्नर है बंदारू दत्तात्रेय, 27th गवर्नर है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, पहले गवर्नर हिमाचल प्रदेश में अपॉइंट किए गए 1971 में, जिनका नाम था एस चक्रवर्ती। हिमाचल प्रदेश की जो पहली वुमेन गवर्नर थी उनका नाम था शीला कौल। पहली वुमेन गवर्नर थी जिनका नाम था शीला कौल, जो 1995 से 96 के बीच में हिमाचल प्रदेश में हुआ करती थी। क्लियर। तो ये पहला गवर्नर कौन है, फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन है, और प्रेजेंट गवर्नर कौन है जो कि 27th नंबर के गवर्नर हैं, उनके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद आपका आ जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑब्वियस सी बात है, प्रेजेंट मिनिस्टर्स कौन से हैं, तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन जो वो आप लोगों को दिया गया है। और लास्ट आपका आ जाएगा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन औचित्य क्या है, इस एक्ट को पास किया गया ताकि आप हिमाचल प्रदेश के डिपार्टमेंट या किसी भी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के पास जाओगे किसी स्पेसिफिक सर्विस के लिए, फॉर एग्जांपल राशन कार्ड के लिए जा रहे हो, फॉर एग्जांपल बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जा रहे हो, फॉर एग्जांपल डेथ सर्टिफिकेट के लिए जा रहे हो, तो कितने मिनिमम दिनों के अंदर जो है वो सरकार गारंटी देती है कि आपको उन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। तो वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं उनके बारे में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंदर लिखा गया है। कितनी सर्विसेज इसके अंदर आती हैं, एक बार उन सर्विसेज को आप लोग स्कैन कर लेना, अगेन वो भी आपका हैंडआउट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो मौजूद है। क्लियर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किए इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जो हिमाचल प्रदेश पॉलिटी है इसका ये सेकंड और लास्ट लेक्चर है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।